मुंबई पुल हादसे में 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुरुवार शाम CST रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज के गिर जाने से 6 लोगों की मौत की खबर है। 34 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया, नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था। बहुत गड़बड़ी, कुछ समझ में ना आता। जो टैक्सी मिली, टैक्सी गाड़ी बाइक जिसमें था उसमें पेशेंट लेके आते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस दर्दनाक हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पुल को कसाब ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि कसाब ने इसी ब्रिज से लोगों पर गोलियां बरसाई थी। 35 साल पहले बने इस ब्रिज की औसतन उम्र कम से 60 साल थी, लेकिन ये पुल 25 साल पहले ही गिर गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब ये पुल ढहा तब पास के सिग्नल पर लाल बत्ती के चलते ट्रैफिक रुका हुआ था और इसी कारण ज्यादा मौतें नहीं हुई। वहीं अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने ये भी बताया कि आज सुबह पुल पर मरम्मत कार्य चल रहा था, इसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया गया। 2017 में एल्फिस्टन रोड ब्रिज के पतन के बाद BMC ने हिमालय ब्रिज सहित शहर के सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया था। इस ब्रिज का 6 महीने पहले ही ऑडिट हुआ था और इसे पूरी तरह से सेफ बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हादसा हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आगे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल हैं। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, WLN News।